बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत एक ऐसे बाप की है जो फना होने वाला और जमाना के तसर्रुफात का इकरार करने वाला है, जिसकी उम्र खात्मा के करीब है और वो दुनिया के मसाइब के सामने सुपर अंदाख्ता है। मरने वालों की बस्ती में मुकीम है और कल यहाँ से कूच करने वाला है। उस फर्जंद के नाम जो दुनिया में वो उम्मीदें रखे हुए है जो हासिल होने वाली नहीं है और हलाक हो जाने वालों के रास्ते पर गामजन है। बीमारियों का निशाना और रोजगार के हाथों गिरवी है। मसाइब जमाना का हदफ और दुनिया का पाबंद है। उसका फरेबकारियों का ताजर और मौत का कर्जदार है। अजल का कैदी और रंजो गम का साथी, मुसीबतों का हम नशीन है और आफतों का निशाना, ख्वाहिशात का मारा हुआ है और मरने वालों का जानशीन। अम्मा बाद, मेरे लिए दुनिया के मुंह फेर लेने, जमाना के जुल्म व ज्यादती करने और आखरत के मेरी तरफ आने की वजह से जिन बातों का इंकशाफ हो गया है, उन्होंने मुझे दूसरों के जिक्र और अग्यार के अंदेशा से रोक दिया है। मगर जब मैं तमाम लोगों की फिक्र से अलग होकर अपनी फिक्र में पड़ा तो मेरी राय ने मुझे ख्वाहिशात से रोक दिया और मुझ पर वाकई हकीकत मुनकशिफ हो गई, जिसने मुझे इस मेहनत व मुशक्क़त तक पहुँचा दिया जिसमें किसी तरह का कील नहीं है और इस सदाकत तक पहुंचा दिया जिसमें किसी तरह की गलत बयानी नहीं है। मैंने तुमको अपना ही एक हिस्सा पाया, बल्कि तुमको अपना सरापा वजूद समझा कि तुम्हारी तकलीफ़ मेरी तकलीफ है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। इसलिए मुझे तुम्हारे मामलात की इतनी ही फिक्र है जितनी अपने मामलात की होती है और इसलिए मैंने ये तहरीर लिख दी है जिसके ज़रिए तुम्हारी इमदाद करना चाहता हूँ, चाहे मैं ज़िंदा रहूं या मर जाऊं। ऐ फरजंद, मैं तुमको खौफ़ खुदा और उसके अहकाम की पाबंदी की वसीयत करता हूं। अपने दिल को उसकी याद से बाद रखना और उसके रस्मान हिदायत से वाबस्ता रहना कि इससे ज़्यादा मुस्तहकम कोई रिश्ता तुम्हारे और खुदा के दरमियान नहीं है। अपने दिल को वाज़ो नसीहत से ज़िंदा रखना और उसकी ख्वाहिशात को ज़ोहद से मुर्दा बना देना। इसे यकीन के ज़रिए कवि रखना और हिकमत के ज़रिए नौरानी रखना। ज़िक्र मौत के ज़रिए राम करना और फना के ज़रिए काबू में रखना। दुनिया के हवादिस से आगाह रखना और ज़माना के हमला और लैल व नहार के तसर्रुफात से होशियार रखना। अपने दिल को गुज़श्ता लोगों के अखबार को पेश करते रहना और पहले वालों पर पड़ने वाले मसाइब को याद दिलाते रहना। उनके दयारो सार में सरगर्मे सफ़र रहना और ये देखते रहना कि उन्होंने क्या किया है और कहां से कहां चले गए हैं, कहां वारिद हुए हैं और कहां डेरा डाला है। फिर तुम देखोगे कि वो अहबाब की दुनिया से मुंतकिल हो गए हैं और दयारे गुरबत में वारिद हो गए हैं और गोया के अनकरीब तुम भी उनमें शामिल हो जाओगे। लिहाजा अपनी मंजिल को ठीक कर लो और ख़बरदार आखरत को दुनिया के अवज़ फ़रोख्त न करना। जिन बातों को नहीं जानते हो उनके बारे में बात ना करना और जिनके मुकल्लफ नहीं हो उनके बारे में गुफ्तगू ना करना। जिस रास्ते में गुमराही का खौफ हो उधर कदम गीना ना बढ़ाना कि गुमराही के तहयर से पहले ठहर जाना होलनाक मरहलों में वारिद हो जाने से बेहतर है। नेकियों का हुक्म देते रहना ताकि उसके अहल में शुमार हो और बुराइयों से अपने हाथ और ज़बान की ताकत से मना करते रहना और बुराई करने वालों से अपने इम्कान भर दूर रहना। राह खुदा में जिहाद का हक अदा कर देना और ख़बरदार इस राह में किसी मलामत घर की मलामत की परवाह ना करना। हक की खातिर जहां भी हो सख्तियों में कूद पड़ना और दीन का इल्म हासिल करना। अपने नफ्स को नाखुशगवार हालात में सब्र का आदि बना देना और याद रखना कि बेहतरीन इखलाक हक की राह में सब्र करना है। अपने तमाम अमूर में परवरदिगार की तरफ रुजू करना कि इस तरह एक महफूज तरीन पनाहगाह का सहारा लोगे और बेहतरीन मुहाफिज की पनाहगाह में रहोगे। परवरदिगार से सवाल करने में मुखलिस रहना कि अता करना और महरूम कर देना उसी के हाथ में है। अपने मालिक से मुसलसल तलब खैर करते रहना और मेरी वसीयत पर गौर करते रहना। इससे पहलू बचाकर गुजर न जाना कि बेहतरीन कलाम वही है जो फ़ायदा मंद हो और याद रखो कि जिस इल्म में फ़ायदा ना हो उसमें कोई खैर नहीं है और जो इल्म सीखने के लायक ना हो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐ फरजंद,
मैंने देखा कि अब मेरा सन बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा हूँ, लिहाजा मैंने फौरन ये वसीयत लिख दी और इन मजामीन को दर्ज कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल की बात तुम्हारे हवाले करने से पहले मुझे मौत आ जाए या जिस्म के नुक्स के तरह राय को कमज़ोर तसव्वुर किया जाने लगे या वसीयत से पहले ही ख्वाहिशात के गलबे और दुनिया के फितने तुम तक न पहुंच जाए और तुम्हारा हाल भड़क उठने वाले ऊंट जैसा हो जाए। यकीनन नौजवान का दिल एक खाली ज़मीन की तरह होता है कि जो चीज़ इसमें डाल दी जाए उसे कबूल कर लेता है, लिहाजा मैंने चाहा कि तुम्हें दिल के सख्त होने और अकल के मशगूल हो जाने से पहले वसीयत कर दूँ ताकि तुम संजीदा फिक्र के साथ इस अमर को कबूल कर लो जिसकी तलाश और जिसके तजर्बा की ज़हमत से तुम्हें तजर्बाकार लोगों ने बचा लिया है। अब तुम्हारी तलब की ज़हमत ख़त्म हो चुकी है और तुम्हें तजर्बा की मुश्किल से निजात मिल चुकी है। तुम्हारे पास वो हकायक आज खुद आ गए हैं जिनको हम तलाश किया करते थे और तुम्हारे लिए वो बातें वाज़े हो चुकी हैं जो हमारे लिए मुबहम थी। ऐ फर्जंद, अगरचे मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी, लेकिन मैंने उनके आमाल में गौर किया है और उनके अखबार में फ़िक्र की है और उनके आसार में सहर व सियाहत की है और मैं साफ़ और गंदा की खूब पहचानता हूँ, नफ़ा व ज़र्र में इम्तियाज़ रखता हूँ। मैंने हर अम्र को छान फटक कर उसका खालिस निकाल लिया है और बेहतरीन तलाश कर लिया है और बेमानी चीज़ों को तुमसे दूर कर दिया है और ये चाहा है कि तुम्हें इसी वक्त अदब की तालीम दे दूँ जबकि तुम उम्र के इब्तदाई हिस्से में हो और ज़माना के हालात का सामना कर रहे हो। तुम्हारी नीयत सालिम है और नफ्स साफ और पाकीज़ा है, इसलिए कि मुझे तुम्हारे बारे में इतनी ही फिक्र है जितनी एक मेहरबान बाप को अपनी औलाद की होती है। अब मैं अपनी तरबियत का आगाज़ किताब खुदा और उसकी तावील, कवानीन इस्लाम और उसके अहकाम, हलाल और हराम से कर रहा हूँ और तुम्हें छोड़कर दूसरे की तरफ नहीं जाना। फिर मुझे ये खौफ भी है कि कहीं लोगों के अकायद व अफकार व ख्वाहिशात का इख्तलाफ तुम्हारे लिए इसी तरह मुशतबे ना हो जाए जिस तरह उन लोगों के लिए हो गया है, लिहाजा उनका मुस्तहकम कर देना मेरी नज़र में इससे ज़्यादा महबूब है कि तुम्हें ऐसे हालात के हवाले कर दूँ जिनमें हलाकत से महफूज रहने का इत्मीनान नहीं है। अगरचे मुझे ये तालीम देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हें नेकी की तौफीक देगा और सीधे रास्ते की हिदायत करेगा। इसी बुनियाद पर यह वसीयतनामा लिख दिया है। ऐ फर्जंद, याद रखो कि मेरी बेहतरीन वसीयत जिसे तुम्हें अख्ज़ करना है वो ये है कि तक्वा इलाही इख्तियार करो और उसके फ़राइज़ पर इक्तफा करो और वो तमाम तरीके जिन पर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे घराने के नेक किरदार अफराद चलते रहे हैं उन्हीं पर चलते रहो कि उन्होंने अपने बारे में किसी ऐसी फ़िक्र को नज़रअंदाज नहीं किया जो तुम्हारी नज़र में है और किसी ख्याल को फरोगुजाश्त नहीं किया है और इसी फ़िक्र नज़र ने ही उन्हें इस नतीजे तक पहुँचाया है कि मारूफ़ चीज़ों को हासिल कर लें और ला यानी चीज़ों से परहेज़ करें। अब अगर तुम्हारा नफ्स इन चीज़ों को बग़ैर जाने पहचाने कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसकी तहकीक बाकायदा इल्म व फहम के साथ होनी चाहिए और शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए और ना झगड़ों का शिकार होना चाहिए और इन मसाइल में नज़र करने से पहले अपने परवरदिगार से मदद तलब करो और तौफीक के लिए उसकी तरफ तवज्जो करो और हर उस शायबा को छोड़ दो जो किसी शुबा में डाल दे या किसी गुमराही के हवाले कर दे। फिर अगर तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारा दिल साफ और खाशे हो गया है और तुम्हारी राय ताम कामिल हो गई है और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक फ़िक्र रह गई है तो जिन बातों को मैंने वाज़े किया है उनमें गौर व फ़िक्र करना, वरना अगर हसब मनशा फ़िक्र नज़र का फ़राग़ हासिल नहीं हुआ है तो याद रखो कि उस तरफ सिर्फ शब को और ऊँटनी की तरह हाथ पैर मारते रहोगे और अंधेरे में भटकते रहोगे और दीन का तलबगार वो नहीं है जो अंधेरों में हाथ पाँव मारे और बातों को मखलूक कर दे, इससे तो ठहर जाना ही बेहतर है। ऐ फर्जंद, मेरी वसीयत को समझो और ये जान लो कि जो मौत का मालिक है वही ज़िंदगी का मालिक है और जो खालिक है वही मौत देने वाला है और जो फना करने वाला है वही दोबारा वापस लाने वाला है
और जो मुबतला करने वाला है वही आफियत देने वाला है। और ये दुनिया इसी हालत में मुस्तकर रह सकती है जिसमें मालिक ने करार दिया है, यानी नेमत, आजमाइश, आखरत की जजा या वो बात जो तुम नहीं जानते हो। अब अगर इसमें कोई बात समझ में ना आए तो इसे अपनी जहालत पर महमूल करना कि तुम इब्तदा में जब पैदा हुए हो तो जाहिल ही पैदा हुए हो, बाद में इल्म हासिल किया है। और इसी बिना पर मजहूलात की तादाद कसीर है जिसमें इंसानी राय मुतहैर रह जाती है और निगाह बहक जाती है और बाद में सही हकीकत नज़र आती है। लिहाजा उस मालिक से वाबस्ता रहो जिसने पैदा किया है, रोज़ी दी है और मोतदिल बनाया है। उसी की इबादत करो, उसी की तरफ तवज्जो करो और उसी से डरते रहो। बेटा, ये याद रखो कि तुम्हें खुदा के बारे में इस तरह की खबरें कोई नहीं दे सकता है जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लिहाजा उनको बखुशी अपना पेशवा और राह निजात का कायद तस्लीम करो। मैंने तुम्हारी नसीहत में कोई कमी नहीं की है और ना तुम कोशिश के बावजूद अपने बारे में इतना सोच सकते हो जितना मैंने देख लिया है। ऐ फर्जंद, याद रखो अगर खुदा के लिए कोई शरीक भी होता तो उसके भी रसूल आते और उसकी सल्तनत और हुकूमत के भी आसार दिखाई देते और उसके अफ़ाल और सिफात का भी कुछ पता होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा खुदा एक है जैसा कि उसने खुद बयान किया है, उसके मुल्क में उससे कोई टकराने वाला नहीं है और ना उसके लिए किसी तरह का जवाल है। वो अव्वलियत की हदों के बगैर सबसे अव्वल है और किसी इंतहा के बगैर सबसे आखिर तक रहने वाला है। वो इस बात से अजीम तर है कि उसकी रबूबियत का असबात फिक्र व नज़र के अहाते से किया जाए। अगर तुमने उस हकीकत को पहचान लिया है तो इस तरह अमल करो जिस तरह तुम जैसे मामूली हैसियत, कलील ताकत, कसीर आजजी और परवरदिगार की तरफ इताअत की तलब, अताब के खौफ और नाराज़गी के अंदेशा में हाजत रखने वाले किया करते हैं। उसने जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो बेहतरीन है और जिससे मना किया है वो बदतरीन है। ऐ फर्जंद, मैं तुम्हें दुनिया, उसके हालात, तसर्रुफात, जवाल और इंतकाल सब के बारे में बाखबर कर दिया है और आखरत और उसमें साहिबान ईमान के लिए मुहैया नेमतों का भी पता बता दिया है और दोनों के लिए मिसालें बयान कर दी हैं ताकि तुम इबरत हासिल कर सको और उससे होशियार रखो। याद रखो कि जिसने दुनिया को बखूबी पहचान लिया है उसकी मिसाल उस मुसाफिर कौम जैसी है जिसका कहत ज़दा मंजिल से दिल अचाट हो जाए और वो किसी सरसब्ज व शादाब इलाका का इरादा करे और ज़हमत राह, फ़िराक अहबाब, दुश्वारी सफ़र, बदमज़गी तवाम वगैरह जैसी तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर ले ताकि वसी घर और करार की मंजिल तक पहुँच जाए, कि ऐसे लोग उन तमाम बातों में किसी तकलीफ़ का एहसास नहीं करते और ना इस राह में ख़र्च को नुकसान तसव्वुर करते हैं और उनकी नज़र में इससे ज़्यादा महबूब कोई शय नहीं है जो उन्हें मंजिल से करीब तर कर दे और अपने मरकज़ तक पहुंचा दे। और इस दुनिया से धोखा खा जाने वालों की मिसाल उस कौम की है जो सरसब्ज़ व शादाब मकाम पर रहे और वहां से दिल अचट जाए तो कहत ज़्यादा इलाकों की तरफ चली जाए, कि उसकी नज़र में कदीम हालात के छट जाने से ज़्यादा नागवार और दुशवार गुजार कोई शय नहीं है। कि अब जिस मंजिल पर वारिद हुए हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं वो किसी कीमत पर इख्तियार करने के काबिल नहीं है। बेटा, देखो अपने और गैर के दरमियान मीज़ान अपने नफ्स को करार दो और दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो और इसके लिए भी वो बात ना पसंद करो जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो। किसी पर जुल्म ना करना कि अपने ऊपर जुल्म पसंद नहीं करते हो और हर एक के साथ नेकी करना जिस तरह चाहते हो कि सब तुम्हारे साथ नेक बर्ताव करें और जिस चीज़ को दूसरे से बुरा समझते हो उसे अपने लिए भी बुरा ही तसव्वुर करना। लोगों की इस बात से राज़ी हो जाना जिससे अपनी बात से लोगों को राज़ी करना चाहते हो। बिला इल्म कोई बात ज़बान से ना निकालना, अगर से तुम्हारा इल्म बहुत कम है और किसी के बारे में वो बात ना कहना जो अपने बारे में पसंद नहीं करते हो। याद रखो कि खुद पसंदी राह सवाब के खिलाफ और अक्लों की बीमारी है, लिहाजा अपनी कोशिश तेज़ तर करो और अपने माल को दूसरों के लिए ज़खीरा ना बनाओ और अगर दरमियानी रास्ता की हिदायत मिल जाए
तो अपने रब के सामने सबसे ज़्यादा खुशू व खुशू से पेश आना। और याद रखो कि तुम्हारे सामने वो रास्ता है जिसकी मुसाफत बईद और मुशक्क़त शदीद है। इसमें तुम बेहतरीन ज़ाद राह की तलाश और बकदरे ज़रूरत ज़ाद राह की फ़राहमी से बेनियाज हो सकते हो। अलबत्ता बोझ हल्का रखो और अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी पुश्त पर बोझ मत लादो कि ये गिराम बारी एक वबाल बन जाए। और फिर जब कोई फ़कीर मिल जाए और तुम्हारे ज़ाद राह को क़्यामत तक पहुँचा सकता हो और कल वक्त ज़रूरत मुकम्मल तरीक़ा से तुम्हारे हवाले कर सकता हो तो उसे गनीमत समझो और माल उसी के हवाले कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको दे दो कि शायद बाद में तलाश करो और वो ना मिल सके। और इसे भी गनीमत समझो जो तुम्हारी दौलतमंदी के दौर में तुमसे कर्ज मांगे ताकि इस दिन अदा कर दे जब तुम्हारी गुर्बत का दिन हो। और याद रखो कि तुम्हारे सामने बड़ी दुश्वार गुजार मंजिल है जिसमें हल्के बोझ वाला संगीन बार वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और धीरे चलने वाला तेज़ रफ्तार से कहीं ज़्यादा बदहाल होगा। और तुम्हारी मंजिल बहरहाल जन्नत या जहन्नम है, लिहाजा अपने नफ्स के लिए मंजिल से पहले जगह तलाश कर लो और वरूद से पहले उसे हमवार कर लो कि मौत के बाद ना खुशनुदी हासिल करने का कोई इम्कान होगा ना दुनिया में वापस आने का। याद रखो कि जिस खुदा के हाथ में ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने हैं उसने तुमको दुआ करने का हुक्म दिया है और कबूलियत की ज़मानत दी है, और तुम्हें मामूर किया है कि तुम सवाल करो ताकि वो अता करे, और तुम तलब रहमत करो ताकि वो तुम पर रहम करे। उसने तुम्हारे और अपने दरमियान कोई हाजिब नहीं रखा है और ना तुम्हें किसी सिफारिश करने वाले का मोहताज बनाया है। गुनाह करने की सूरत में तौबा से भी नहीं रोका है और अजाब में जल्दी भी नहीं की है, और तौबा करने पर ताने भी नहीं देता है, और तुम्हें रुसवा भी नहीं करता है अगर तुम इसके हकदार हो। उसने तौबा कबूल करने में कभी किसी सख्ती से काम नहीं लिया है और जरायम पर सख्त मुहासबा करके रहमत से मायूस भी नहीं किया है, बल्कि गुनाहों से अलहदगी को भी एक हसना बना दिया है और फिर बुराई में एक को एक शुमार किया है और नेकियों में एक को दस बना दिया है। तौबा और तलब रज़ा का दरवाज़ा खोल दिया है कि जब भी आवाज़ दो फौरन सुन लेता है और जब मुनाजात करो तो उससे भी बाखबर रहता है। तुम अपनी हाजतें उसके हवाले कर सकते हो, उसे अपने हालात बता सकते हो, अपने रंज और गम की शिकायत कर सकते हो, अपने हिजन व अलम के जवाल का मुतालबा कर सकते हो, अपने अमूर में मदद मांग सकते हो और उसके ख़जाना रहमत से इतना सवाल कर सकते हो जितना कोई दूसरा बहरहाल नहीं दे सकता है, चाहे वो उम्र में इजाफा हो या बदन की सेहत या रिज्क की वसत। उसके बाद उसने दुआ की इजाज़त देकर गोया ख़जाइन रहमत की कुंजियाँ तुम्हारे हाथ में दे दी हैं कि जब चाहो इन कुंजियों से नेमत के दरवाज़े खोल सकते हो और रहमत की बारिशों को बरसा सकते हो। लिहाजा खबरदार, कबूलियत की ताखीर तुम्हें मायूस न कर दे कि अतिया हमेशा बकदरे नियत हुआ करता है और कभी कभी कबूलियत में इसलिए ताखीर कर दी जाती है कि उसमें साहिल के अजर में इजाफा और उम्मीदवार के अतिया में ज्यादती का इम्कान पाया जाता है, और हो सकता है कि तुम किसी शय का सवाल करो और वो ना मिले लेकिन उसके बाद जल्द या देर से उससे बेहतर मिल जाए या उसे तुम्हारी भलाई के लिए रोक दिया गया हो। इसलिए कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को तुमने तलब किया है वो अगर मिल जाए तो दीन की बर्बादी का ख़तरा है, लिहाजा उसी चीज़ का सवाल करो जिसमें तुम्हारा हुस्न बाकी रहे और तुम वबाल से महफूज रहो। माल ना बाकी रहने वाला है और न तुम उसके लिए बाकी रहने वाले हो। फर्जंद, याद रखो कि तुम्हें आखरत के लिए पैदा किया गया है, दुनिया के लिए नहीं, और फना के लिए बनाया गया है, दुनिया में बाकी रहने के लिए नहीं। तुम्हारी तख्लीक मौत के लिए हुई है, ज़िंदगी के लिए नहीं, और तुम इस घर में हो जहाँ से बहरहाल उखड़ना है और सिर्फ बकदरे ज़रूरत सामान फराहम करना है, और तुम आखरत के रास्ते पर हो। मौत तुम्हारा पीछा किए हुए है जिससे कोई भागने वाला बच नहीं सकता है और उसके हाथ से निकल नहीं सकता है, वो बहरहाल उसे पा लेगी, लिहाजा उसकी तरफ से होशियार रहो कि वो तुम्हें किसी बुरे हाल में पकड़ ले और तुम खाली तौबा के लिए सोचते ही रह जाओ और वो तुम्हारे और तौबा के दरमियान हायल हो जाए कि इस तरह गोया तुमने अपने नफ्स को हलाक कर दिया। ऐ फर्जंद, मौत को बराबर याद करते रहो
और उन हालात को याद करते रहो जिन पर अचानक वारिद होना है, और जहां तक मौत के बाद जाना है ताकि वो तुम्हारे पास आए तो तुम एहतियाती सामान कर चुके हो और अपनी ताकत को मजबूत बना चुके हो, और वो अचानक आकर तुम पर कब्जा न कर ले। और खबरदार, अहले दुनिया को दुनिया की तरफ झुकते और उस पर मरते देखकर तुम धोखा में न जाना कि परवरदिगार तुम्हें उसके बारे में बता चुका है और वो खुद भी अपने मसाइब सुना चुकी है और अपनी बुराइयों को वाजे कर चुकी है। दुनियादार अफराद सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते और फाड़ खाने वाले दरिंदे हैं, जहां एक दूसरे पर भौंकता है और ताकत वाला कमज़ोर को खा जाता है और बड़ा छोटे को कुचल डालता है। ये सब जानवर हैं जिनमें बाज बंधे हुए हैं और बाज आवारा, जिन्होंने अपनी अकलें गुम कर दी हैं और नामालूम रास्ते पर चल पड़े हैं। कोया दुश्वार गुजार वादियों में मुसीबतों में चरने वाले हैं, जहां ना कोई चरवाहा है जो सीधे रास्ते पर लगा सके और ना कोई चराने वाला है जो उन्हें चरा सके। दुनिया ने उन्हें गुमराही के रास्ते पर डाल दिया है और उनकी बसारत को मीनारे हिदायत के मुकाबले में सल्ब कर लिया है, और वो हैरत के आलम में सरगर्दान है और नेमतों में डूबे हुए हैं। दुनिया को अपना माबूद बना लिया है और वो उनसे खेल रही है और वो इससे खेल रहे हैं, और सब ने आखरत को यकसर भुला दिया है। ठहरो, अंधेरे को छटने दो, ऐसा महसूस होगा जैसे काफिले आखरत की मंजिल में उतर चुके हैं और करीब है कि तेज़ रफ्तार अफराद अगले लोगों से मुलहिक हो जाए। ऐ फर्जंद, याद रखो कि जो शब रोज़ की सवारी पर सवार है वो गोया सरगर्म सफ़र है, चाहे ठहरा ही क्यों ना रहे, और मुसाफत कतई कर रहा है चाहे इत्मीनान से मुकीम ही क्यों ना रहे। ये बात यकीन के साथ समझ लो कि तुम ना हर उम्मीद को पा सकते हो और ना अजल से आगे जा सकते हो, तुम अगले लोगों के रास्ते ही पर चल रहे हो। लिहाजा तलब में नरम रफ्तारी से काम लो और कस्ब मुआश में मयाना रवि इख्तियार कर लो, वरना बहुत सी तलब इंसान को माल की महरूमी तक पहुँचा देती है, और हर तलब करने वाला कामयाब भी नहीं होता है और ना हर एतदाल से काम लेने वाला महरूम ही होता है। अपने नफ्स को हर तरह की पस्ती से बुलंदर रखो, चाहे वो पस्ती पसंदीदा अशिया तक पहुंचा ही क्यों ना दे, इसलिए कि जो इज्जत नफ्स दे दोगे उसका कोई बदल नहीं मिल सकता। और ख़बरदार, किसी के ग़ुलाम नहीं बन जाना जबकि परवरदिगार ने तुम्हें आज़ाद करार दिया है। देखो, इस खैर में कोई खैर नहीं है जो शर के ज़रिए हासिल हो, और वो आसानी नहीं है जो दुश्वारी के रास्ते से मिले। खबर तमा की सवारियां तेज़ रफ्तार दिखलाकर तुम्हें हलाकत के चश्मों पर नवारित कर दें, और अगर मुमकिन हो कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान कोई साहिब नेमत ना आने पाए तो ऐसा ही करो कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बहरहाल मिलने वाला है, और अपना नसीब बहरहाल लेने वाले हो, और अल्लाह की तरफ से थोड़ा भी मखलूक़ात के बहुत से ज़्यादा बेहतर होता है, अगरचे सब ही अल्लाह की तरफ से होता है। खामोशी से पैदा होने वाली कोताही की तलाफी कर लेना गुफ्तगू से होने वाले नुकसान के तदारुक से आसान तर है। बर्तन के अंदर का सामान मुंह बंद करके महफूज किया जाता है, और अपने हाथ की दौलत का महफूज कर लेना दूसरे के हाथ की नेमत के तलब करने से ज़्यादा बेहतर है। मायूसी की तलखी को बर्दाश्त करना लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है, और पाक दामनी के साथ मेहनत मुशक्क़त करना फिस्क व फजूर के साथ मालदारी से बेहतर है। हर इंसान अपने राज को दूसरों से ज़्यादा महफूज रख सकता है, और बहुत से लोग हैं जो इस अमर के लिए दौड़ रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है। ज़्यादा बात करने वाला बकवास करने लगता है, और गौर व फिक्र करने वाला बसीर हो जाता है। अहले खैर के साथ रहो ताकि उन्हीं में शुमार हो, और अहले शर से अलग रहो ताकि उनसे अलग हिसाब किए जाओ। बदतरीन तुआम माल हराम है, और बदतरीन जुल्म कमज़ोर आदमी पर जुल्म है। नरमी नामुनासिब हो तो सख्ती ही मुनासिब है, कभी कभी दवा मर्ज बन जाती है और मर्ज दवा, और कभी कभी गैर मुखलिस भी नसीहत की बात कर देता है, और कभी कभी मुखलिस भी खयानत से काम ले लेता है। देखो, खबरदार, ख्वाहिशात पर एतमाद ना करना कि ये अहमकों का सरमाया है। अक्लमंदी तजर्बात के महफूज रखने में है, और बेहतरीन तजर्बा वही है जिससे नसीहत हासिल हो। फुर्सत से फ़ायदा उठाओ
कबल इसके कि रंजो अंदोह का सामना करना पड़े, हर तलबगार मतलूब को हासिल भी नहीं करता है और हर गायब पलट कर भी नहीं आता है। फसाद की एक किस्म ज़ाद राह का जायद कर देना और आकबत को बर्बाद कर देना भी है। हर अम्र की एक आकबत है और अनकरीब वो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए मुकद्दर हुआ है। तिजारत करने वाला वही होता है जो माल को खतरे में डाल सके। बस औकात थोड़ा माल ज़्यादा से ज़्यादा बाबरकत होता है। उस मददगार में कोई खैर नहीं है जो जलील हो और वो दोस्त बेकार है जो बदनाम हो। ज़माना के साथ सहूलत का बर्ताव करो जब तक उसका ऊँट काबू में रहे और किसी चीज़ को उससे ज़्यादा की उम्मीद में ख़तरा में मत डालो। खबरदार कहीं दुश्मनी और इनाद की सवारी तुमसे मुंह जोरी ना करने लगे। अपने नफ्स को अपने भाई के बारे में कता ताल्लुक के मुकाबला में ताल्लुकात, एराज के मुकाबले में मेहरबानी, बुखल के मुकाबले में अता, दूरी के मुकाबले में कुर्बत, शिद्दत के मुकाबले में नरमी और जुर्म के मौक़ों पर माजरत के लिए आमादा करो। गोया कि तुम उसके बंदे हो और उसने तुम पर कोई एहसान किया है, और ख़बरदार एहसान को भी बेमहल न करार देना और ना किसी नाअहल के साथ एहसान करना। अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त न बनाना कि तुम अपने दोस्त के दुश्मन हो जाओ, और अपने भाई को मुखलसाना नसीहत करते रहना चाहे उसे अच्छी लगे या बुरी। गुस्सा को पी जाओ कि मैंने अंजाम कार के एतबार से इससे ज़्यादा शीरी कोई घूंट नहीं देखा है और ना आकबत के लिहाज से लजीज तर। और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे उसके लिए नर्म हो जाओ, शायद कभी वो भी नर्म हो जाए। अपने दुश्मन के साथ एहसान करो कि उसमें दो में से एक कामयाबी और शीरी तरीन कामयाबी है। और अगर अपने भाई से कता ताल्लुक करना चाहो तो अपने नफ्स में इतनी गुंजाइश रखो कि अगर उसे किसी दिन वापसी का ख्याल पैदा हो तो वापस आ सके। जो तुम्हारे बारे में अच्छा ख्याल रखे उसके ख्याल को गलत ना होने देना। बामी रवाबित की बिना पर किसी भाई के हक को ज़ाय ना करना कि जिसके हक को ज़ाय कर दिया फिर वो वाकयान भाई नहीं है। और देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से बदबख्त ना होने पाए, और जो तुमसे किनारा कश होना चाहे उसके पीछे ना लगे रहो। तुम्हारा कोई भाई कते ताल्लुकात में तुम पर बाजी ना ले जाए, और तुम ताल्लुकात मजबूत कर लो। और ख़बरदार बुराई करने में नेकी करने से ज़्यादा ताकत का मुजाहरा ना करना, और किसी जालिम के जुल्म को बहुत बड़ा तसव्वुर ना करना कि वो अपने को नुकसान पहुँचा रहा है और तुम्हें फ़ायदा पहुँचा रहा है, और जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए उसकी जजा ये नहीं है कि तुम उसके साथ बुराई करो। और फर्जंद याद रखो कि रिज्क की दो किस्में हैं, एक रिज्क वो है जिसे तुम तलाश कर रहे हो और वो एक रिज्क वो है जो तुमको तलाश कर रहा है। अगर तुम उस तक ना जाओगे तो वो खुद तुम तक जाएगा। ज़रूरत के वक्त खुजू व खुशू का इजहार किसी कदर जलील तरीन बात है, और बेनियाजी के आलम में बदसलूकी किस कदर कभी हरकत है। इस दुनिया में तुम्हारा हिस्सा उतना ही है जिससे अपनी आकबत का इंतज़ाम कर सको, और किसी चीज़ के हाथ से निकल जाने पर परेशानी या पशेमानी का इजहार करना है तो हर उस चीज़ पर भी फरियाद करो जो तुम तक नहीं पहुंची है। जो कुछ हो चुका है उसके ज़रिए उसका पता लगाओ जो होने वाला है, कि मामलात तमाम के तमाम एक जैसे ही हैं। और ख़बरदार उन लोगों में ना हो जाओ जिन पर उस वक्त तक नसीहत असरअंदाज नहीं होती है जब तक पूरी तरह तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, इसलिए कि इंसान आकिल अदब से नसीहत हासिल करता है और जानवर मारपीट से सीधा होता है। दुनिया में वारिद होने वाले हमूमों आलाम को सब्र के अजायम और यकीन के हुस्न के ज़रिए करो। याद रखो कि जिसने भी एतदाल को छोड़ा वो मुनहरफ हो गया, साथ ही एक तरह का शरीक नस्ब होता है, और दोस्त वो है जो गैबत में भी सच्चा दोस्त रहे। ख्वाहिश अंधेपन की शरीके कार होती है। बहुत से दूर वाले ऐसे होते हैं जो करीब वालों से करीब तर होते हैं, और बहुत से करीब वाले दूर वालों से ज़्यादा दूर तर होते हैं। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो, जो हक से आगे बढ़ जाए उसके रास्ते तंग हो जाते हैं, और जो अपनी हैसियत पर कायम रहता है उसकी इज्जत बाकी रह जाती है। तुम्हारे हाथों में मजबूत तरीन वसीला तुम्हारा और खुदा का रिश्ता है, और जो तुम्हारी परवाह ना करे वही तुम्हारा दुश्मन है। कभी कभी मायूसी भी कामयाबी बन जाती है,
जब हिरसो तमाम मुझे भी हलाकत हो। हर ऐब ज़ाहिर नहीं हुआ करता है और ना हर फुर्सत को मौका बार बार मिला करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेकियों वाला रास्ते से भटक जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आँखों वाला रास्ते से भटक जाता है और अंधा सीधे रास्ते को पा लेता है। बुराई को पसे पुश्त डालते रहो कि जब भी चाहो उसकी तरफ बढ़ सकते हो। जाहिल से कता ताल्लुक आकिल से ताल्लुकात के बराबर है। जो ज़माना के तरफ से मुतमईन हो जाते हैं, ज़माना उसे ख्यानत करता है, और जो इसे बड़ा समझता है, ज़माना उसे जलील कर देता है। हर तीर अंदाज का तीर निशाने पर नहीं बैठता है। जब हाकिम बदल जाता है तो ज़माना बदल जाता है। रफ़ी के सफ़र के बारे में रास्ते पर चलने से पहले दरियाफ्त करो, और हमसाया के बारे में अपने घर से पहले खबरगीरी करो। खबरदार ऐसी कोई बात ना करना जो मुझे का खेज हो, चाहे दूसरों की तरफ से नकल की जाए। खबरदार औरतों से मशवरा ना करना कि उनकी राय कमज़ोर और उनका इरादा सुस्त होता है। उन्हें पर्दा में रख कर उनकी निगाहों को ताक झांक से महफूज रखो कि पर्दा की सख्ती उनकी इज्जत व आबरू को बाकी रखने वाली है, और उनका घर से निकल जाना गैर मोतबर अफराद के अपने घर में दाखिल करने से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर मुमकिन हो कि वो तुम्हारे अलावा किसी को न पहचाने तो ऐसा ही करो, और ख़बरदार उन्हें उनके ज़ाती मसाइल से ज़्यादा इख्तियारात ना दो, इसलिए कि औरत एक फूल है और हाकिम व मुतसर्रिफ नहीं है। उसके पास और लिहाज को उसकी ज़ात से आगे ना बढ़ाओ, और इसमें दूसरों की सफारिश का हौसला ना पैदा होने दो। देखो खबरदार, गैरत के मौाक़े के अलावा गैरत का इजहार मत करना कि इस तरह अच्छी औरत भी बुराई के रास्ते पर चल जाएगी और बेऐब भी मशकूक हो जाती है। अपने हर खादिम के लिए एक अमल मुकर्रर कर दो जिसका मुहासबा कर सको कि ये बात एक दूसरे के हवाले करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अपने कबीले का एहतराम करो कि यही तुम्हारे लिए परवाज़ का मर्तबा रखते हैं, और यही तुम्हारी असल है जिनकी तरफ तुम्हारी बाज़गुश्त है, और तुम्हारे हाथ हैं जिनके ज़रिए हमला कर सकते हो। अपने दीन और दुनिया को परवरदिगार के हवाले कर दो और उसे दुआ करो कि तुम्हारे हक में दुनिया और आखरत में बेहतरीन फ़ैसला करे।